शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सॉरी संजना, मैं समझ नहीं पाई तुझ पर क्या बीत रही है। आई एम सॉरी सॉरी। अरे अरे पीछे हट, पूरा छोड़ इसे, छोड़ पीछे हट। अरे इसके सर पर भूत प्रेत का साया है, पीछे हट तू, पीछे हट। चुड़ैल चुड़ैल है ये, चुड़ैल निकल जा यहाँ से, निकल जा। अरे हमें काला जादू दिखा रही है डायन, डायन है तू, डायन। अगर तूने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। निकल जा यहां से, निकल जा यहां से, अरे निकल जा यहां से।
ब्रिज कितना तंग है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। निधि जरा संभाल के। ये घर तो भूषण जी वाकई बहुत दूर पर जाता है। हाँ वो तो है, पर मैडम आपका बजट ही इतना था कि इतने कम पैसों में शहर में घर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। पुल बहुत तंग है मैडम, दरवाजा नहीं खुलेगा। आप एक काम कीजिए, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पुल के पार ले लीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे बंगला भी तो सामने ही है। लीजिए मैडम, आ गया आपका घर। आइए मैडम आइए। आज तो हम यहाँ रहेंगे साथ में। डोंट बी स्टूपिड, कॉल मी दीदी। और हाँ, ये हमारा नया घर है। हम अपने पुराने घर में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमने वो घर बेच दिया है। कमाल है, लॉक ही नहीं खुल रहा। पर कल जब मैं सामान रखवाने आया था तो इसी चाबी से लॉक खोला था मैंने। अच्छा, मैं पीछे जाकर देखता हूँ कोई दूसरा रास्ता होगा अंदर जाने का। साशा इसका ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। ओके। सॉरी मैडम, अंदर से सेफ्टी लॉक अटक गया था इसलिए बाहर से लॉक खुल नहीं रहा था। कोई बात नहीं। वाओ, कितना अच्छा घर है, तुझे पसंद आया? नहीं, मेरे को पसंद नहीं आया। वैसे भी तुझे क्या पसंद आता है? डफा। मम्मी हाँ? हमारा कमरा तो ऊपर होगा ना, हम देखा है? हाँ देखा, सीढ़ियों पे संभालना। देख लीजिए मैडम, सारा सामान ठीक तरह से लगवा दिया। देखो आपकी डॉल भी है यहाँ पे। चलो साशा तुम भी सो जाओ बेटा। मम्मी 5 मिनट की ब्यूटीफुल सी ड्राइंग कंप्लीट कर लूं फिर सो जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम, स्वीट ड्रीम्स।
जगह को किसने जलाया शाशा? शाशा, राइट? शाशा, कैन यू कॉल मी दीदी? और इस जगह को भूत ने जलाया है। भूत ने? कौनसा वाला भूत? कैस्पर वाला कि ड्रैकुला वाला? तू महान है। क्या हुआ विकी? दीदी, गांव वाले कह रहे हैं कल रात यहाँ बिजली गिरी थी। वो लोग इस बात को अपशगुन मानते हैं, इसीलिए पूजा पाठ कर रहे हैं। Come on, Tram. Tram, come on. Tram. Tram, come on. Tram. Tram, chalo andar. रख लो बेटा। मगर किस लिए? ये तुम्हारे काम आएगा, ये तुम्हारे ही लिए। लेकिन इसके पैसे मैं आपको अभी नहीं दे सकती बेटा। बिकने के बाद ही दे पाऊंगी। बेटा, ये बेचने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे काम आएगा बेटा। रख लो। सुनिए, लेट्स चेक आउट देयर। अरे, कैन यू शो मी दिस? So beautiful. Wow. How much is this? 500. Mm-hmm. Take this. Thank you. Thank you. It's beautiful. सुनिए, सुनिए।
हेलो संजना जी, आपने जो जगह बताई थी वहां पर कोई डेड बॉडी नहीं मिली, किसी औरत की लाश नहीं मिली। सर मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ, वो औरत उसी बेंच पर बैठी थी और जैसे ही मैंने उसे छुआ तो वो वहीं गिर गई। लेकिन मैडम हमने बेंच ही नहीं आसपास का पूरा इलाका छान मारा है, मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी आपको उस औरत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। ओके ओके। फायर, चलो बेटा सो जाओ। नहीं मम्मी, अभी मेरा मन नहीं है, मैं खेलूं। फायर, खेलना वेलना कुछ नहीं, सो जाओ फौरन। और मीशा तुम भी। ओके मम्मा। ओके। फायर, फायर, फायर। ओह फायर। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। दीदी ये देखिए, घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुले पड़े हैं। लेकिन कैसे? मालूम नहीं, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने बेडरूम में हैं। हाँ। मिशा उठो। साशा। उठो बेटा। मिशा। उठो बेटा साशा। नींद आ रही है। साशा, घर में कोई चोर घुस आया है। हाँ? दीदी एक काम करते हैं। घर की सारी लाइट्स ऑन करके हल्ला मचाते हैं, या तो चोर भाग जाएगा या हम उसे पकड़ लेंगे। वहाँ भी कोई नहीं है। कोई नहीं? विक्की, खिड़कियाँ और दरवाजे। अच्छा चलो, चलो अंदर, चलो, चलो सब। ट्रैम, come on ट्रैम। Come inside, चलो। Come on ट्रैम, come on ट्रैम, ट्रैम, ट्रैम। आग किसने जलाई? यहां तो कोई भी नहीं।
ये कहाँ चला गया? राम, 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 come on, Tram. Tram, come on. Come on, Tram. Tram. क्या बात कर रहा है विकी? मुझे भी टेंशन हो रही है उसके बारे में, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, ट्राम को जब मैं खाना देने गया तो वो अपनी जगह पर नहीं था। उसे ढूंढता हुआ मैं घर के पीछे पहुंचा, वहां देखा कि वो जमीन खोद रहा है, इसे वहां से कुछ निकालना चाहता हूँ। एकदम एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। पहले मैंने उसे आवाज दी लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं पहचानी। फिर आगे बढ़ के मैं उसके बेल्ट को पकड़ने गया, तब उसने मुझ पर अटैक कर दिया। इस तरह झपटा के मैं डर गया दीदी। विकी, ट्रैम्प से कैसे डर सकता है तू? तूने तो उसे पाला है बचपन से, अपने हाथों से खाना खिलाया है उसे। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मामा, हमारे ट्रैम्प को क्या हुआ? प्लीज मीशा, ट्रैम्प कहीं भाग गया है, बेचारे सुबह से कुछ भी नहीं खाया। एंड आई एम श्योर मम्मी, ट्रैम्प किसी चीज से जरूर डर गया होगा। नहीं, ट्रैम्प किसी से नहीं डरता शाशा। प्लीज मीशा, तुझे कितनी बार कहा है कॉल मी दीदी। विक्की मामा, मुझे ट्रैम चाहिए। हाँ बेटे। मम्मी, एक काम करते हैं, हम बाहर जाके ट्रैम को ढूंढते हैं। एंड आई एम श्योर, जब हम ट्रैम को बुलाएंगे ना, वो जरूर हमारे पास आ जाएगा। ट्रैम आ जाएगा बेटा रात में, और अगर नहीं आया तो हम उसे सुबह ढूंढ ले आएंगे, ठीक है? चलो अब जल्दी करो, होमवर्क बाकी है आप लोगों का और फिर सोना भी है। ओके मामा।
पैसा? आप मुझसे पैसा मांग रही हैं? अरे कहां से दूं मैं आपको पैसा, कहां से दूं? अरे मैडम आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसा बंगला मिल गया। जितना आपका बजट था ना उस बजट में इस कस्बे के नजदीक आपको कोई बंगला नहीं मिलता। पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा हुआ था ये बंगला और कितनी मुश्किल से मैंने इनके मालिकों को ढूंढ निकाला जो फॉरेन में रहते हैं। अरे जिसकी दलाली भी नहीं ली मैंने और मुझसे पैसे मांग रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती भूषण जी, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। बस उस घर में नहीं रहना चाहती मैं, प्लीज। ठीक है, जब आपने इरादा कर ही लिया है कि आपको वहां नहीं रहना तो कुछ करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं मैडम, आपके बंगले के लिए मैं ग्राहक ढूंढता हूं और आपके लिए दूसरा बंगला। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दोनों एक साथ मिल जाए। तो अगर दोनों एक साथ नहीं मिले तो आपको उसी बंगले में रहना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या सोच रही हो संजना? मैं तुम्हारे हिसाब से चलने वाला नहीं हूं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं संजना, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूं विजय, लेकिन तुम जानते हो पापा की हालत, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्हें इस हालत में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? उन्हें भी साथ ले चलते हैं ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उस बूढ़े पापी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा? नेवर। अरे मेरा बस चलता ना तो मैंने कब का उसे इस घर से भी बाहर निकाल कर फेंक दिया होता। जो पाप उसने किया है उसकी सजा यही है कि वो यहां पर तड़प तड़प कर मरे। उनके पापों की सजा उन्हें मिल चुकी है विजय। मतलब तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे और मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता? तो ठीक है, तुम रहो यहां, करो उसकी सेवा, भुगतो उसके साथ। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। और अपने बच्चों से भी कोई प्यार नहीं है तुम्हें? वो तुम्हारे हैं, उन्हें अपने पास रखना, उनसे भी सेवा करवाना अपने बाप की। क्या बात है संजना, बड़ी खोई खोई लग रही है, कहीं नए घर में अमित की याद तो नहीं आने लगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पूजा। लेकिन तेरी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। मुझे मालूम है तू मुझे कुछ नहीं बताएगी, बचपन से जानती हूँ तुझे, सब बातें अपने मन में छुपा कर रखती है, किसी से कुछ कहती नहीं है। सुन संजना, तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना मुझे जरूर कहना। थैंक्स पूजा। चल मैं चलती हूँ, 5 बज गए, बच्चों को पिकअप करना है और विकी भी वेट कर रहा होगा दुकान पे। चल बाय बाय, टेक केयर। दीदी ट्रैम। अरे आ गया ये मम्मा ट्रैम। ट्रैम, 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 ट्रैम,
देखता हूँ मैं। विके, विके पुलिस को बुला प्लीज। मैं बाहर देखता हूँ। मामा? क्या हुआ मामा? 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 क्या हुआ मामा? क्या हुआ मामा? क्या हुआ? मामा? कोई नहीं है दीदी, कोई नहीं है घर में। कोई नहीं है दीदी, कोई नहीं है। क्या हुआ मामा? आप क्यों रो रहे हो? दीदी, हाँ? मैं बाहर हॉल में ही सो रहा हूँ, दरवाजा खुला रखना और जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
किताबें। संजना हाँ। ये ले बच्चों के लिए रजाई। थैंक यू सो मच। पागल हो गई क्या मुझसे थैंक्स बोलेगी? मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। दीदी दीदी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है। दीदी तुम ठीक तो हो ना? तो सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। चल बाहर चल के बात करते हैं। संजना अब बता कि बात क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुझे इतनी रात को अपना घर छोड़ना पड़ा? टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। बता ना संजना प्लीज। आई वॉज रेप पूजा। बलात्कार हुआ मेरे साथ। तू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? क्या कहती वहां जाके कि जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की मैंने उसे देखा ही नहीं, और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे और घर में कोई अजनबी भी नहीं मौजूद था। तुझे तो मालूम है पूजा, पुलिस वाले कैसे बाल की खाल निकालते हैं। वो लोग समझते मैं पागल हो गई हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है पूजा, ये सच है। संजना तू किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? क्या पता कोई अंदरूनी चोट हो, बाद में मामला सीरियस हो जाए। कौन से डॉक्टर के पास जाऊं पूजा? पूजा सारा दिन वहीं बैठी रहोगी क्या? आ रही हूं। सुन किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा जो ये सारी रिपोर्ट्स और बातें अपने तक ही रखे। तू तो जानती है संजना यहाँ पर छोटी सी बात देखते देखते बड़ी बन जाती है। विलिंगडन हॉस्पिटल में मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, बहुत अच्छे हैं, आसिफ अली। पूजा उनसे बात करो। पूजा मेरा नाश्ता कहाँ है? आखिर कर क्या रही हो तुम वहां पर? ऊपर आओ। आ रही हूं लाई। अपनी सहेली से पूछा कि नहीं और कितने दिन रहेगी यहाँ? देखिए वो बेचारी बहुत परेशान है, इसीलिए अब हमें परेशान करने आ गई है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ तुम ही तो हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार, लेकिन साफ सुन लो, होगी वो तुम्हारी सहेली। अगर उसका घर उसे काटने को दौड़ता है तो होटलों की कमी नहीं है यहाँ, धर्मशाला बना के रखा है इस घर को। अब बस भी कीजिए। शरणं गच्छामि ज्ञानं शरणं गच्छामि।
महात्मा बुद्ध ने हमें ज्ञान और धर्म की जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के द्वारा हम जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब भी हम कोई भी कार्य शुद्ध मन से करते हैं तो खुशियाँ हमारे पीछे परछाई की तरह लग जाती है, जो जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ती है। हाँ बेटा, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, सुना तुम लोगों ने? हाँ हाँ मामा, सुना। दीदी, मुझे मालूम है ये आवाज कहां से आ रही। आई नो इट। विकी, कहां जा रहा है? मामा, रुक जाओ। विकी, मामा। दीदी ये देखिए, इसके हिलने से आवाज आती है। लेकिन विकी, इसे हिलाया किसने? दीदी आज आप हॉल में सो रही हैं? हाँ, बेडरूम में कुछ घुटन सी हो रही है आज। अच्छा। विकी मामा, कुछ भी हो जाए, आज आप हमारे रूम में सो रहे हैं। बस चलो। अरे पूजा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तू बात मत कर मुझसे, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तू बिना बताए बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। पूजा वो, तू यहाँ सोने वाली है सोफे पे? तो ठीक है, मैं फिर तेरे बेडरूम में सो जाती हूँ। अच्छा, मैं भी सोती हूँ अंदर। चल।
एक बात बता संजना, तू ऐसे बिना बच्चों को कुछ खिलाए इस तरह क्यों ले आई अपने घर पे? पूजा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुझ में और तेरे हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम्स हो। देख यार, मेरा हस्बैंड मेरी जिंदगी में बहुत बाद में आया है, लेकिन तू और मैं तब से दोस्त हैं जब से हम दोनों 3-3 साल की थी। याद नहीं है जब हमारी माए हम दोनों की 2-2 चोटियां बना के हाथ में हाथ डाल के स्कूल भेजती थी, और जैसे ही हम लोग स्कूल पहुंचते थे सब हमें देखकर कहते थे, हियर कम्स द कैट विद द टेल। ये दोनों जुड़वा नहीं है लेकिन जुड़वा जैसी लगती है और कभी अलग नहीं हो सकती। तू शायद ये सारी बातें भूल गई है लेकिन मुझे याद है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। बस मैंने कह दिया अपने हस्बैंड से, अगर मेरी फ्रेंड यहाँ नहीं रुक सकती तो मैं उसके घर जा रही हूँ, रहने दो उसे अकेला, मैं चेंज करके आती। ओके। संजना चल यार सो जा, बहुत देर हो गई। हाँ मुझे तो बहुत नींद आ रही है, आ जा। गुड नाइट।
पूजा हाँ तू पक्का छोड़ देगी ना स्कूल बच्चों को? हाँ यार तू चिंता क्यों करती है, तू जाकर अपनी दुकान खोल, दो दिन से बंद पड़ी हुई है, मैं बच्चों को घर जाते वक्त स्कूल छोड़ दूंगी, डोंट वरी। ओके थैंक यू बाय बाय। बाय दीदी, दीदी बाय बाय बाय। हेलो संजना जी। हेलो। आई एम डॉक्टर आसफ अली। आर यू फीलिंग कोल्ड? हीटर ऑन कर दूं? नो आई एम ओके। ओके। हाँ। आपकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक हैं। एवरीथिंग इज नॉर्मल। कोई अंदरूनी जख्म नहीं है। ब्लड प्रेशर ठीक है। शुगर भी नहीं है। लिपिड प्रोफाइल इज गुड। यू आर फिजिकली अ फिट पर्सन। अब आप मुझे बताइए आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे मेरी कार में मारने की कोशिश की गई। किसने की कोशिश? पता नहीं, मैं उसे देख नहीं सकती, लेकिन उसने एक्सेलरेटर पूरी तरह से दबा के रखा था और ब्रेक्स भी फेल कर दिए थे। ऐसा कुछ आपने पहली बार महसूस किया? नहीं, इससे पहले उसने मेरे साथ रेप किया था। रेप किया था? और आप उसे देख नहीं पाए? क्या वो कोई भूत था? नहीं डॉक्टर, वो हवा की तरह है, फील होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। आपने किसी तरह का दर्द महसूस किया? ऑफ कोर्स, उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई डॉक्टर, ही वाज ब्रूटल विद मी, घिनौना था वो। कहां हुआ ये सब? मेरे घर में। उस वक्त घर में कौन कौन था? मेरी दो बच्चियां अपने कमरे में सो रही थी और मेरी चीखों की आवाज सुन के मेरा छोटा भाई आ गया कमरे में। उसने क्या देखा? उसने भी किसी को नहीं देखा। तो उसने क्या सोचा? पता नहीं। संजना जी, आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ डॉक्टर कि अगर वो मुझे पा नहीं सकेगा तो मुझे मार डालेगा। पहली रात के बाद मैं अपने फ्रेंड के घर चले गए रहने और अगली रात को मेरी फ्रेंड आ गई मेरे पास रहने। अच्छा। वो मुझ तक पहुंच नहीं सका तो उसने
गुस्से में फ्रस्ट्रेट होके मुझे गाड़ी में ही मारने की कोशिश की। फ्रस्ट्रेट होके? संजना जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हम साथ नहीं रहते, 4 साल पहले हमारा डिवोर्स हो गया। 4 साल? इस दौरान आपका किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध हुआ? कोई बॉयफ्रेंड या? कैसी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर? इन सब बातों का मेरी इस प्रॉब्लम से क्या लेना देना? I'm sorry, संजना जी, लेकिन लेना देना है। पास जाने बीता हुआ कल बहुत मायने रखता है, वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। आज को समझने के लिए बीते हुए कल को समझना बहुत जरूरी है, और फिर जिस्म की भी अपनी जरूरतें होती हैं। हो सकता है इस वक्त आपके साथ जो कुछ हो रहा है या आप जो कुछ महसूस कर रही हैं, उसका कोई तार आपके अतीत से जुड़ा हो। ज्यादा साफ तरीके से कहूं तो हो सकता है सारी प्रॉब्लम्स आपके अपने भीतर हो, क्योंकि मेडिकल साइंस भूत प्रेत को नहीं मानता। मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी इमेजिनेशन है? हा? मेरा डर और मेरी तकलीफ ये मेरे दिमाग की उपज है, और क्योंकि मैं 4 साल से किसी के साथ सोई नहीं हूँ, किसी के साथ संभोग नहीं किया, तो ये सब मैं खुद सोच रही हूँ। संजना जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ एक पहलू की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी एक इंसान दोहरी जिंदगी जीता है, और वो अपने साथ या दूसरों के साथ जो कुछ भी करता है उसे लगता है कोई और कर रहा है। आप मुझे बताइए कि आप डॉक्टर हैं या साइकियाट्रिस्ट? मैं एक डॉक्टर हूं और साइकियाट्रिस्ट भी। ओह, मतलब पूजा ने मुझे एक दिमाग के डॉक्टर के पास भेजा है ये जानने के लिए कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूं। लेकिन मैं पागल नहीं हूं डॉक्टर, मेरे साथ रेप हुआ है, रेप, बलात्कार, समझते हैं आप? संजना जी, मेरी बात सुनिए प्लीज। अरे तुम लोग सोए नहीं अब तक? मम्मा ये डरपोक सोए तब ना। क्या हुआ बेटा? हाँ, तुमने कुछ बोला इसे? मैंने कुछ नहीं कहा ना। क्या हुआ मिशु? मम्मी आज प्लीज हमारे साथ सोइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं नहा के आती हूँ, फिर साथ सोएंगे, ठीक है? यस। चलो अब आप लेट जाओ। चलो चलो मैं आ रही हूँ अभी, डराना मत इसे। ओके मम्मा।
संजना, यह है डॉक्टर मिसेस कपूर। हेलो। आइए आपका चेकअप कर लेते हैं। कम डॉक्टर। जख्म दिखाइए। ये देखिए। ओह माय गॉड। ये देखिए। हाँ हाँ। और ये देखिए डॉक्टर। ओह इट्स टेरिबल। देखा आपने? जी जी। और कहीं? हाँ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए। ओह गॉडनेस। और ये देखिए। ओके डॉक्टर आप जा सकते हैं। ओके आइए। तो ये निशान तो असली है ना या नहीं? ऑफ कोर्स असली है। मैं मानता हूँ आप काफी जख्मी हुई हैं। और ये जख्म और ये घाव मैंने खुद तो नहीं बनाए हैं। संजना जी, मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूँ और ना ही इस बात से इनकार कर रहा हूँ कि आपके साथ सचमुच कुछ बहुत बुरा हो रहा है। सिर्फ बीइंग अ डॉक्टर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि यह सब कोई रूह कोई आत्मा कर सकती है। नहीं। तो आप क्या कहेंगे इन जख्मों के बारे में डॉक्टर? कि इन्हें भी मैं इमेजिन कर रही हूँ? नहीं नहीं आप इमेजिन नहीं कर रही हैं। ये जख्म हैं, लेकिन मैंने जो स्प्लिट पर्सनालिटी की बात की थी वो ऐसे ही नहीं की थी। मैंने ऐसे मामले देखे हैं, पढ़े हैं, जिनमें लोग कोई खास दिमागी हालत में खुद को या दूसरों को जख्मी कर देते हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। really? मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने खुद अपने आप को जख्मी किया? आप जख्मी करने की बात कर रही हैं? संजना जी, लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। सुसाइड क्या होता है? खुद को हर्ट करने की हाइट ही तो है, लेकिन लोग सुसाइड करते ही है ना। मुझे पता था कि आप घुमा फिरा के अपनी इस बात को जस्टिफाई करने का रास्ता निकाल ही लेंगे कि मैं अपना दिमागी संतुलन खो रही हूं और मेरी पर्सनैलिटी बढ़ गई है। संजना जी, एनीवे थैंक यू वेरी मच। संजना जी प्लीज लिसन टू मी। अरे संजना जी, आप अभी तक यहीं हैं? जी वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो टैक्सी या बस के लिए वेट कर रही हूँ, जो भी पहले आ जाए। लेकिन पहले तो मैं आ गया अपनी गाड़ी के साथ। आइए आपको ड्रॉप कर दूं।
नहीं, क्यों तकलीफ करते हैं आप? मैं, अरे तकलीफ की क्या बात है, आइए ना, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए आइए प्लीज, आइए बैठिए। उम्मीद है मेरी ड्राइविंग ने आपको डराया नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ बैठने वाले लोग अक्सर मेरी ड्राइविंग से डर जाते हैं। मुझे तो इस घर से डर लगता है डॉक्टर। क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ संजना जी? हाँ आइए ना। चलिए बॉस, एक्सेल तो ठीक है ना? एक्सेल तो ठीक है जी। डॉक्टर साहब, ये भाई है मेरा विकी। हाय विकी। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। आइए चलिए। वाह, काफी अच्छा घर है आपका, लगता है इसीलिए आपने अपना पुराना घर बेचकर इसे लिया। नहीं, वो तो इससे भी अच्छा था। अच्छा मम्मी, आपको पता था ना आज हम चॉकलेट केक लाने वाले थे और तभी आप लेट आए। दिस नॉट फेयर मम्मा। सॉरी, थोड़ी देर के बाद काट लेंगे, ठीक है? सॉरी। इट्स ओके। जा। हेलो। हाय। हाय। चल। हाय। हेलो बेबी। कम ऑन मीशा। लवली सो मच। ये आपकी बेटियां हैं जी। कॉफी पियेंगे आप? नो थैंक्स। अच्छा, आप बता रही थी कि आप एंटीक शॉप चलाती हैं। एंटीक्स का शौक कब से है आपको? मुझे नहीं, मेरे पापा को था। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मेरे नाना नानी ने मेरी माँ की दोबारा शादी करवा दी। मेरे दूसरे पापा को बहुत शौक था एंटिक्स का, और ये दुकान भी उन्होंने खोली थी। ओके, ओके। लेकिन विकी के पैदा होने के बाद से उनका इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो गया था। तो विकी आपका सगा भाई नहीं है? नहीं, सगे भाई से बढ़कर है। संजना जी, आपके सौतेले पिता, मेरा मतलब है आपके दूसरे पिता का बिहेवियर कैसा था आपके साथ? ठीक ही था। ठीक ही था मतलब कि बहुत अच्छा नहीं था? अब छोड़िए ना उन बातों को डॉक्टर। देखिए संजना जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और यह तभी मुमकिन है जब आप मुझसे खुलकर बातें करेंगे। आप जो कुछ बताएंगे मुश्तक ही रहेगा। ओके, बताइए आपके पापा क्या आपको मारते वारते थे? नहीं, मारते तो नहीं थे, लेकिन अक्सर वो मुझे इस तरह छूते थे जैसे कोई बाप अपनी बेटी को नहीं छूता। ओह, तो इस बारे में कभी आपने अपनी माँ से बात की? नहीं। किसी से भी नहीं की? शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड से बताई थी ये बात। अच्छा, शायद इसलिए आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। नहीं, जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो पापा की काफी उम्र हो चुकी थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया था। उस वक्त उन्हें सहारे की जरूरत थी, और मेरे हस्बैंड उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे। लेकिन इंसानियत के नाते मैं उन्हें अकेला इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए आपने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया? नहीं, जाने का फैसला उनका था। ओके ओके। आप कभी कभी अपने हस्बैंड को मिस करती होंगी? कभी नहीं। अकेले दो बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, और दुकान भी इतनी खास नहीं चलती। पैसे के लिए मुझे अपना पुराना घर बेचकर यहाँ आना पड़ा, फिर भी मैं बिल्कुल मिस नहीं करती उन्हें। संजना जी, आप बहुत मजबूत इरादों वाली हैं। लेकिन फिर भी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बिल्कुल संजना, मैं जो हो सका करूंगा। आई एम विद यू। थैंक यू। वेलकम। अच्छा मैं चलता हूँ। चलिए आइए। यार कितना टाइम लगेगा? हो गया जी, बस दो मिनट, स्टार्ट हो जाएगी अभी। जल्दी कर यार। ओके ठीक है। ओके। Okay.
बाय विकी। बाय सर। सी यू। ओके। हाँ विकी, बताओ कैसे हो? बहुत पेन है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं डॉक्टर वर्मा से कह दूंगा, वो तुम्हें पेन किलर्स दे देंगे। थैंक यू। Thank you.
घर के शीशे तोड़ने की क्या जरूरत थी संजना? उसने मुझे फंसाना चाहा। मैं सो रही थी, मुझे मालूम नहीं था। उसने मुझे इस तरह छूना शुरू किया, मुझे अच्छा लगने लगा।
लेकिन अचानक जब मेरी आंख खुली तो मुझे घिन आने लगी अपने आप पे, और मैंने अपने घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए। डॉक्टर संजना, आपको अभी और इसी वक्त हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। क्यों हॉस्पिटलाइज क्यों? मैं बीमार नहीं हूं डॉक्टर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीमार हैं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाएं ताकि हम लोग ठीक से जांच कर लें। लेकिन जब मैं बीमार नहीं हूं तो आप क्यों जबरदस्ती मुझे मरीज बनाने पे तुले हुए डॉक्टर? ओह माय गॉड संजना, कम से कम अपनी अपनी बेटियों के बारे में तो सोचो तुम। मेरी बेटियों को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। क्यों कुछ नहीं होगा? हां क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि आप लोग मेरे लिए कुछ कर नहीं पाए, तो अब जो करना है मैं करके दिखाऊंगी। बहुत परेशान हूं मैं पूजा, जिंदगी बस नरक बन गई है मेरी। कभी कभी तो मन करता है कि सुसाइड कर लूं बस। यार इतनी बड़ी दुनिया में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। संजना ऐसी बातें मत कर यार। पूजा मैं किसके पास जाऊं? किसके पास जाऊं मैं, और किससे कहूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे लगा कि तू मेरी दोस्त है, लेकिन तुझे भी मुझ पर यकीन नहीं। तुम ही लोग अगर मुझ पर यकीन नहीं करोगे तो। ऐसी बातें मत कर यार, मुझे पूरा पूरा भरोसा है तुझ पर यार। मैं तेरी सारी बातें मानती हूँ, बस यही है कि। अरे चले, यहाँ डिस्कशन अभी बाकी है, चलो गाड़ी में सामान डालना है। हाँ आ रही हूँ, तू चल मेरे साथ अंदर। चल सुन, तू कहीं जाना मत, मैं 5 मिनट में गाड़ी में सामान रख के आ रही हूँ, मुझे तुझसे बातें करनी है, जाना मत। हाँ जाके देखो क्या कर रही है वो। सॉरी संजना, मैं समझ नहीं पाई तुझ पर क्या बीत रही है। आई एम सॉरी सॉरी। अरे अरे पीछे हट, पूरा छोड़ इसे, छोड़, पीछे हट। अरे इसके सर पर भूत प्रेत का साया है, पीछे हट तू, पीछे हट। चुड़ैल चुड़ैल है ये, चुड़ैल, निकल जा यहाँ से, निकल जा। अरे हमें काला जादू दिखा रही है, डायन डायन है तू, डायन। अगर तूने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। निकल जा यहां से, निकल जा यहां से, अरे निकल जा यहां से।
Excuse me. Hello? Excuse me. Please take this. I don't want it. जिस दिन से हमने आपसे ये परचेस किया है उस दिन से एवरी डे मेरे वाइफ का ड्रीम में एक टिबेटन लेडी आता है और बोलता है जिससे तुमने ये खरीदा है उसको वापस दे दो। टिबेटन लेडी? Yes, टिबेटन लेडी। और आज मॉर्निंग में तो बिल्कुल मिरर के सामने आया और बोलता है तुमने अभी तक वो लॉकेट उसको वापस नहीं किया। ये लॉकेट तुम्हारे लिए नहीं है, जिससे तुमने लिया है उसे अभी तक वापस क्यों नहीं किया? वापस करो, वापस करो, तुरंत वापस करो, तुरंत वापस कर दो। जाओ जाओ जाओ। वो अगर तुमको मिला तो बोल देना हमने वो लॉकेट तुमको वापस कर दिया है और हमको पैसा भी नहीं चाहिए, बस प्लीज। गोविंद जी मैडम, दुकान बंद कर दो। अच्छा जी।
मेरी बात सुनो। मैं एक ऐसे शख्स को लेके आया हूँ जो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता है। पैरासाइकोलॉजिस्ट है, ओके? डॉक्टर एस पी राणा। ये क्या कर रही है? Be brave. मैं हूं ना, चलिए आपके घर के अंदर देखते हैं। आइए डॉक्टर, आइए। वजूद है उसका यहां, नीच गुस्से में भरी हुई, बदले की भावना में कांपती आत्मा है यहां, बेचैन लेकिन वायलेंट, नफरत पे जिंदा है, चोट पहुंचाना चाहती है। नहीं बेटा, डरो मत। ये मत, ये हमें हर तरह से डराने की कोशिश करेगी। मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां पर आखिरी वक्त आपकी बेटी थी। हाँ, बच्चों के बेडरूम में। वो उस तुम्हारी बेटी जिंदा है संजना, संजना संजना संजना, तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? संजना, तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास करना होगा और अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए उससे लड़ना होगा। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा
कर सकती हो। मैं उससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी डॉक्टर। दुश्मन से लड़ने के लिए उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो रूहें सुकून की मौत पाती हैं, वो जिंदगी और मौत की सरहद के पार अनंत और अमर रोशनी में खो जाती हैं। लेकिन जो अचानक या हादसों में मरते हैं, उनकी रूहें भ्रम में रहती हैं और फिर उन्हें भी उसी रोशनी में रास्ता मिल जाता है। तुम जहां भी जाओगी, ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। आप देख सकते हैं उसे। हमें हर चीज की मौजूदगी का एहसास करने के लिए उसे देखना कहां पड़ता है? हवा, क्या हम उसे देख पाते हैं? लेकिन जब चलती है तब पता चलता है। फिर भी ये रूह खुद को दिखाएगी हमें छलावों की शक्ल में। हमें रोकने के लिए माया जाल बुनेगी, मुझे रोकने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं यहां हूं, जैसे मैं जानता हूं कि वो यहां है। लेकिन जीतेंगे हम ही, क्योंकि हम अच्छाई के साथ हैं और वो बुराई के साथ। संजना, चलो तुम्हारी बच्ची को वापस लेकर आते हैं। डॉक्टर, क्या अगर कुछ खोदने के लिए मिले तो लेके आओ। ओके, जल्दी। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनमें से ज्यादातर चीजों का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बीते दिनों में यहां कोई ऐसी घटना घटी है जिसने आपको चौंकाया हो? जी, वहां कुछ दिन पहले बिजली गिरी थी। उसे गांव वाले बहुत अपशगुन मानते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी पूजा की थी। वो जगह दिखा सकती हैं आप? जी, सामने है, चलिए। यह है वो जगह। आप यहां से खोदना शुरू कीजिए। ओके डॉक्टर। यही एक रास्ता है जिस पर चलकर आपकी बेटी को बचाया जा सकता है। क्या है यहां पे? यह सैकड़ों साल पुराना एक ऐसा कुआं है जिसमें आदिवासी लोग मुजरिमों को
जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये तो ईश्वर ही जानता है कि इसमें कितनी बुरी आत्माएं दफन हैं। लेकिन उनमें से एक उस रात बाहर आ गई जिस रात यहां पर बिजली गिरी। और उसको आपके रूप में एक आसान सा शिकार मिल गया। मैं जानता हूं आपकी बेटी इसके अंदर है। और उसे मैं निकाल लाऊंगा।
मम्मू मेरे पास आ जा। निशा मामा, मामा। अरे भाई जरा संभाल के। हाँ मैडम जल्दी कीजिए, रास्ते में से नए बंगले की चाबी भी लेनी है। हाँ हाँ चलिए चलिए चलो। हाँ अरे मामा मामा मेरी डाल अंदर रह गई। मीशा मीशा अंदर मत जाओ मीशा।